नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और उम्मीद है आपका स्वास्थ्य सही होगा और आप घर पर ही होंगे। तो आज प्यारे बच्चों हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो बच्चों हमने हिंदी व्याकरण में पहले पढ़ लिया था संज्ञा प्रकरण, यानी संज्ञा के भेद वगैरह हमने पढ़ लिए थे। आज जो है हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो है सर्वनाम। सर्वनाम देखिए, इसमें देखिए इस शब्द की जो परिभाषा जो है सर्वनाम की, वो इसी में छिपी हुई है। जैसे सर्व का अर्थ होता है सभी, और नाम जो है वो नाम किसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, नाम अर्थात संज्ञा। बस इसी में इसकी परिभाषा है कि सर्वनाम किसे कहते हैं जो सभी प्रकार के नाम के स्थान पर प्रयोग हो, जो सभी प्रकार के नाम के स्थान पर प्रयोग, अर्थात जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द है उसे क्या कहते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं दो वाक्य लिखता हूं, उनमें से आप अंतर अच्छे से समझ सकेंगे। राम एक होनहार छात्र है, राम सर्वदा समय पर विद्यालय आता है। राम हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। चलिए, तो हमने ये एक तीन वाक्य लिखे हैं यहाँ। राम एक होनहार छात्र है, राम सर्वदा समय पर विद्यालय में आता है, और राम हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान पर रहता है। अब देखिए, ये बात तीनों में बात किसकी हो रही है? अकेले राम की हो रही है। लेकिन अगर यहाँ हम ये कह दें वह, और यहाँ भी लगा दें वह, तो राम एक होनहार छात्र है, वह सर्वदा समय पर विद्यालय में आता है, और वह हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। अब देखिए, यहाँ हमने जो है एक शब्द था राम, जो कि क्या किसी व्यक्ति का नाम है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यह किसी का नाम संज्ञा कहलाता है। तो इस स्थान के स्थान पर, यानी इस शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द प्रयोग किया, लेकिन फिर भी वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे में ये जो संज्ञा के स्थान पर शब्द आया है वह क्या है? वह सर्वनाम। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होगी। अब इसके भेद के बारे में बात करेंगे, सर्वनाम के भेद। इसको आप जो है नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके जो है आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में भेद की बात करें तो सबसे पहला भेद जो है संज्ञा के भेद, और भेद में सबसे पहला आता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, सीधी सी बात है, जो किसी पुरुष के स्थान पर, यानी किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग होता है वह पुरुषवाचक होता है। वह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, यानी जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग होता है सर्वनाम, वो पुरुषवाचक। जैसे हमने प्रयोग किया था राम के स्थान पर वह किया था, तो वह क्या है? वह एक पुरुषवाचक है, क्योंकि वो एक व्यक्ति के नाम के स्थान पर आया था। जैसे इसके तीन भेद होते हैं, एक होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम कह सकते हैं अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कह सकते हैं, अर्थात उत्तम पुरुष। उत्तम कौन है? उत्तम भाई, अपने आप को सभी उत्तम ही कहते हैं। तो मैं जो है एक सर्वनाम है, ये क्या है? उत्तम पुरुष है। और इसका बहुवचन क्या होता है? वह। तो मैं और हम ये दोनों क्या है? ये एकवचन में और ये बहुवचन में कौन से है? उत्तम पुरुष के हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष कौन होता है?
तू या तुम, तू या तुम जो अपने से छोटे के लिए प्रयोग करते हैं, और ज़्यादातर इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है, तुच्छ व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो मध्यम पुरुष में तू या तुम हो गया, और अन्य पुरुष में यानी जो हमारे सामने नहीं, ये तो होता है वक्ता, जो बात कहने वाला है, जैसे मैं या हम, ठीक है, और ये बात सुनने वाला होता है, और ये जो है जो यहाँ उपस्थित नहीं है, जैसे वह या वे, वह और बहुवचन में क्या हो जाएगा वे, तो ये क्या है, ये प्रथम सॉरी अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, वह, वे, तू, तुम, मैं और हम। अपने आप को हम उत्तम कहते हैं, उत्तम समझते हैं, तो मैं और हम उत्तम पुरुष है, और जो तू या तुम है वो मध्यम पुरुष है, और जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है वह या वे, वो क्या है, वो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा जो भेद है इसका वो है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, यानी जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु के बारे में बोध हो, ऐसा शब्द जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, जैसे यह और वह, यह का हो जाएगा बहुवचन ये, और वह का बहुवचन हो जाएगा वे। ये क्या है, यह और वह दोनों क्या है, ये निश्चयवाचक है। अर्थात मैं कहूं कलम, यह कलम, यह कलम यानी मेरे सामने है, और वह, वह कुर्सी, तो वह कुर्सी वो मतलब एक निश्चित है। तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो कौन सा है, यह और वह। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई या कुछ। बाहर पैरों की आवाज़ आ रही है, आहट हो रही है, कोई आया है, रसोई में कुछ गिरा है। अब हम निश्चित नहीं है कि कौन आया है या क्या गिरा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको अनिश्चयवाचक कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर चार पर बात करेंगे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक ऐसे सर्वनाम जिनसे प्रश्न का निर्माण होता है, जैसे क्या, कौन, ये क्या है, इनसे प्रश्न का निर्माण होता है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा जो है, मैं इनको मिटा देता हूं ऊपर वालों को, आप इसको लिख लीजिए साथ के साथ, नंबर पांच जो है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी जो दो के बीच में संबंध स्थापित करता है, दो संज्ञाओं के बीच में संबंध स्थापित करता है, जैसे जो, सो, ये दोनों साथ में आते हैं, या जैसा, वैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो करेगा सो भरेगा, तो जो सो, ये क्या है, ये संबंधवाचक है। और जो छठा भेद है वो है निजवाचक, कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, जब हम कोई कार्य करते हैं और उसमें ज़्यादा दबाव देके कहते हैं कि मैं अपने आप कर लूँगा, जैसे कहते हैं ना, एक तो भाई पत्र मैं लिख लूँगा, और मैं स्वयं लिख लूँगा, मैं अपने आप लिख लूँगा, मैं खुद लिख लूँगा, तो ये जो जब किसी बात स्वयं कोई काम करने के लिए किसी बात पर जोर देकर कहा जाता है, तो उसमें कुछ शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे एक तो स्वयं होता है, एक कहते हैं खुद ही, एक कहते हैं अपने आप, जैसे ना कि मैं ये काम अपने आप कर लूँगा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप कर लूँगा, तो वो जो अपने आप वाला है, मैं खुद ही कर लूँगा, तुम्हें ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा, मैं स्वयं कर लूँगा, ये जो शब्द हैं वो, ये जो सर्वनाम है वो कौन से हैं, वो सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। वीडियो एक बार नहीं, दो बार फिर देख लीजिए, तीसरी बार देख लीजिए, दो तीन बार आप देखेंगे तो आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगले वीडियो में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से हम जो है वो इसका टेस्ट भी लगाएंगे। और हाँ, ध्यान रहे, इसको कॉपी में नोट डाउन, अगर हमारे विद्यालय के बच्चे हैं तो इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर करना है, और इसकी फ़ोटो आप पढ़ते हुए की फ़ोटो वगैरह जो है आप मेरे खुद के व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आया, अगर नहीं आया तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, या फिर मेरे जो निजी नंबर है उस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।